नवरात्रि में कुंडली जागरण है तो सर्वोत्तम दिन है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन, नवरात्रि के पांचवें दिन कुंडली जागरण है तो विश्व चक्र का वेदन विधि, विश्व चक्र एकदम जागृत हो जाता है और विश्व चक्र जागृत होने से उस मन पूरा उसमें अवस्थित हो जाता और मन पूरा उसमें अवस्थित होने से जो साधक के यहाँ पर एकदम या हृदय में माता एकदम कंठ के अंदर, इसको नभकंठ भी कहते हैं, इसको कंठ को कमल भी कहते हैं और इसको विश्व चक्र भी कहते हैं, एकदम अवस्थित हो जाता है तो अनाविशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। और विश्व चक्र जागृत होने के लिए तो कैसा इसका स्वरूप बताता, ये कंठ में अवस्थित है, इसमें 16 पंखुड़ियाँ हैं, 16 पंखुड़ियों के ऊपर ओम आम ईम ईम ओम ओम एम ऐ लृम लृम ओम औ अंग अह, ये 16 जो है स्वर अंकित हैं, ये 16 स्वर लाल रंग के हैं और इस समय इनकी मंडली चमकती है ना, तो ऐसा चमकते मानो आकाश गंगा ही यहाँ पर आकर के उपस्थित हो गई हो और मानो चंद्रकांत मणि ही हो, मानो सूर्यकांत वेदुकांत मणि, इस प्रकार के अक्षर चमकते हैं भैया। ये ज्ञान के स्रोत हैं, विद्या के स्रोत हैं, इनका जागृत करना पड़ता है एक एक स्वर को। कैसे? पूजन कर लिया, फिर जैसे ओम आम ओम भोजपत्र पर लिखो, पूजन करो ओम 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 ईम ओम ओम लिम ओम, इस प्रकार पूरा अ से लेकर अह तक 16 स्वरों का पूजन किया जाता है, तब कहीं जाकर के विश्व चक्र चेतन हो जाता। चेतन होने से देखो, इस विश्व चक्र को चेतन करना बहुत आवश्यक है, माँ की पूजा करने से ही चेतन हो जाता है। यहाँ जो विश्व चक्र के कपाट लगे हुए हैं ना, वो माँ कुंडली जब प्रसन्न होती है तो पंच चक्र चार चक्रों को पार करके पंच चक्र के दरवाजे पर आते ही फट दरवाजे खुल जाते, ताला टूट जाता, माँ के चरण कमल विश्व चक्र में कुंडली के पड़ जाते हैं और प्रभाषित ऐसा होता है मानो द्वादश सूर्यों का प्रकाश ही विश्व चक्र के क्षेत्र में फैल गया हो, इतना प्रभाव है और विश्व चक्र जागृत हो जाता है। विश्व चक्र को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र हैं भैया, इसका स्वरूप बताता है। 16 पंखुड़ियाँ और कर्णिका के अंदर, कमल की कर्णिका होते उसमें हम मंत्र होते, क्या होता हम बीज मंत्र होता है और ये किसके ऊपर, ये श्वेत हाथी की पीठ के ऊपर विराजित है हम मंत्र, तो हम मंत्र का जाप करना पड़ता है। क्योंकि बीज मंत्र से तो हर जो है चक्र के जागरण करने के लिए बीज मंत्र का जपन करना पड़ता है। ओम हम ओम ये भोजपत्र पर लिख करके इसकी पूजन कर लो पंचोपचार और फिर ध्यानस्थ होकर के ओम हम ओम का जो है जाप करो। इसके जाप करने से कुंडली माता तो प्रसन्न होती है लेकिन विश्व चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है और पूर्ण रूप और जाग, अरे मंत्र से सब जागृत होती, कोई भी चक्र, ये सप्त चक्र है ना, इन सप्त चक्रों को मंत्रों से जपात सिद्धि, जितना मंत्र जपोगे उतना सिद्धि प्राप्त हो और वो चक्र सिद्ध ही शीघ्र हो जाए। तो जपा, इसके चक्र को जपने के लिए मंत्र हैं। देखो मैंने आपको कहा ना कि माता के हृदय में, स्कंद माता के हृदय में सब देवियों का ये कंठ में निवास है, सरस्वती यहीं बसती है, काली यहीं बसती है, लक्ष्मी यहीं बसती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्रव और सदा स्वाहा नमोस्तुते, ये सब देवियाँ यहाँ बल विकर्णी कल विकर्णी बल प्रथमनी आदि सब देवियाँ इस कंठ में निवासित हो जाती है। जब इस सब कंठ में निवासित हो जाती है तो विश्व चक्र अपने आप जागृत हो जाता, जागृत तो होता ही है, वेदन होता है, अरे चक्र वेदन होना चाहिए, माँ का चरण कमल तो पड़ते ही चक्र तो जागृत हो जाता, लेकिन वेदन, वेदन मतलब छेद,
प्रक्षालन दोलन उसके अंदर जितने भी विद्रूपताएं हैं प्रवृत्तियां हैं वे सब धोनी पड़ती अपने आप धुक जाती है। अरे यार विश्व चक्र नाम है इसलिए पढ़ाने के बिल्कुल विशुद्ध है चंद्रकांत मणि के समान गंगा जल के समान बिल्कुल विशुद्ध है इसलिए तो इसे विद्युत चक्र कहते हैं। तो इसका मंत्र बताता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं मंत्र बताता हूँ तो बिल्कुल छोटे छोटे मंत्र हम का किसके ओम हम ओम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वा ओम हम मंत्र चैतन्य कुरकुर स्वा दूसरा ओम हम मंत्र जागृह स्थापय स्वा ओम हम मंत्र जागृह स्थापय स्वा और इनके देवता पंचमुखी सदाशिव कौन से हैं इसका वायु प्राण है ये प्राण है ना ये इसके जो है इसमें सभी मनस चक्र है कौन सा चक्र है ये विश्व चक्र के अंदर एक और चक्र है मनस चक्र मन मन को कंट्रोल करने का। तो मैं पहले आपको इसके देवता का मंत्र बताता हूँ ओम पंचमुखी सदाशिवाय नमः ओम पंचमुखी सदाशिवाय नमः ये जपन करने से विद्युत चक्र जा शाकिनी देवी देवी है कौन सी देवी शाकिनी ओम एम शाकिनी देवाय ओम एम शाकिनी देवी मम दोषान विनाशय विनाशय स्वा ओम एम शाकिनी देवी मम दोषान विनाशय विनाशय स्वा शाकिनी देवी सदाशिव के साथ हमेशा शाकिनी देवी रहती वो प्रसन्न हो जाती है तो ये विश्व चक्र जागृत हो जाता भाई। एक और मन है रे ये मन कंट्रोल में होगा नहीं तब चक्र जागृत होगा नहीं। तो मन को चांचल्य को मिटाने के लिए ओम महाशक्ति नमः मन चंचल है इसकी चंचलता को इसको स्थिर करने के लिए ओम महाशक्ति नमः मन चांचल्य विनाशय विनाशय द्वारय द्वारय स्वाहा मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा मन स्थिरम कुरकुर स्वाहा ये मंत्र है भाई इससे मन भी स्थिर हो जाएगा। इसके अंदर है ये कंठ चक्र इतना है जबरदस्त कि सब देवियां तो है लेकिन मनस चक्र मन भी इसमें स्थित है। जब मन को स्थिर करेंगे तब सब देवियां प्रसन्न हो जाएगी सब मंत्रियों के देवियों के मंत्र जपन करेंगे सब देवियां प्रसन्न हो जाएगी। दुर्गा माँ अरे दुर्गा के स्वरूप में तो सब देवियां है तो दुर्गा माँ प्रसन्न होगी और दुर्गा को ही तो कुंडली जागरण कुंडली कहते हैं तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा और जब कुंडली जागरण हो जाएगा विश्व चक्र अपने आप भेदन हो जाएगा और जब विश्व चक्र भेदन हो जाएगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं मनोकामनाएं का मतलब आपकी मन की इच्छाएं वाचा सिद्धि देखो परा पश्यंती मध्यमा और बेखरी वाणी भी इसमें क्या है बेखरी वाणी का मतलब होठों से जो निकलेगा पहले यहां से उत्पन्न हुई यहां आई यहाँ मध्यमा और यहाँ होठों पर आएगी शब्द रूप में प्रकट हो जाएगी ये वाचा सिद्ध बन जाता है। तो वाचा सिद्ध आप जो भी मन से कहोगे इसको वरदान दोगे वरदान उसको मिल जाएगा वो अक्षय हो जा वो वरदान फिर अक्षय हो जाता है। तुम तो सारी मनोकामनाएं प्रसन्न हो जाती धन मिलता लक्ष्मी धन दे देती है सरस्वती सारे ग्रंथों को वेद विद्वान बना देती है वेद वेदांत उपनिषद पुराण रामायण महाभारत सब ग्रंथ उसको कंठाग्र हो जाते हैं और माँ अम्बा माँ कालिका माँ चामुंडा प्रसन्न हो जाती एम रिम क्लिम चामुंडाय बच्चे एम रिम क्लिम चामुंडाय इसका मंत्र का जप पाठ करो रे आप निशांत कक्ष के अंदर बैठ जाओ तीन समय में इसको जपो 108 मणियों की माला होनी चाहिए और बिल्कुल प्रातःकाल मध्यान्ह और सायंकाल तीन शांत कमरे में बैठ करके जपो माँ प्रसन्न हो जाएगी स्कंद माता प्रसन्न हो जाएगी दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएगी और सब जो है अपना विश्व चक्र भी जागृत हो जाएगा। बोलिए बोलिए कुंडली माता की जय स्कंद माता की जय।